हे गाइस, दिस इज मोहित कुमार कश्यप और आप देख रहे हैं गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल। और गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए एक बेस्ट टेस्ट सीरीज के बारे में बताने जा रहा हूं। हालांकि मैंने बेस्ट टेस्ट सीरीज से रिलेटेड एक वीडियो पहले भी अपलोड की थी, जहां पर मैंने ग्रेडअप की टेस्ट सीरीज के बारे में बताया था, और आज की इस वीडियो में भी मैं उसी टेस्ट सीरीज के बारे में बताऊंगा, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ने उसे परचेज किया है और स्टूडेंट के परचेस करने के बाद उन्होंने जो अपना रिव्यू दिया है उस पर, तो वो बहुत ही अच्छा है और स्टूडेंट खुद से जज करके बता रहे हैं कि वाकई में टेस्ट सीरीज दमदार है और बिल्कुल उसी पैटर्न पे तैयार की गई टेस्ट सीरीज है जो कि एसएससी सीजीएल का रियल एग्जाम होता है। ये टेस्ट सीरीज आप दो तरीके से ले सकते हैं, एक तो एसएससी सीजीएल टीयर वन एग्जाम के लिए, या फिर एसएससी सीजीएल का कंप्लीट कॉम्बो पैक भी आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों का ही लिंक दिया हुआ है, अगर आप इस लिंक से क्लिक करके इस टेस्ट सीरीज को परचेस करते हैं तो टेस्ट सीरीज का जो भी प्राइस है उस पर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको टेस्ट सीरीज के अंदर दिखा देता हूं कि आपको मैथ्स और रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चंस वहां पर देखने को मिलते हैं, ताकि आपको उस टेस्ट सीरीज को समझने में आसानी रहे और फिर आप चाहें तो उसे परचेज भी कर सकते हैं। इसमें आपकी अपनी मर्जी है, मैं आपको कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा हूं, मैं आप पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं कि आप टेस्ट सीरीज खरीदें ही खरीदें, ठीक है। आप एक बार लिंक पर क्लिक करके देख जरूर लेना, और इस वीडियो में तो मैं आपको बता ही दे रहा हूं कि आगे मैथ्स और रीजनिंग के इसमें किस किस तरह के क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो गाइज, यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ एसएससी सीजीएल 2018 कॉम्बो टेस्ट सीरीज, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी परचेज कर चुका हूँ। तो उस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2018 टीयर वन, एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स, और इस तरीके से आपको क्वांट, इंग्लिश, ठीक है, इस तरह से आपको अलग अलग सेक्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं कॉम्बो पैक के अंदर। तो मैं टीयर वन में क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैंने कुछ स्टार्टिंग कुछ टेस्ट किए हुए हैं, तो मैं आपको सीधे लेकर चलता हूँ एक फ्रेश टेस्ट के अंदर और यहाँ पर हम टेस्ट खोल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल आपको इंस्ट्रक्शन ऐसे ही मिलेंगे जैसे कि रियल एग्ज़ाम के अंदर होते हैं। इसको आप लैपटॉप, ठीक है, डेस्कटॉप या फिर अपने मोबाइल में भी, दोनों में ही एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का। अब यहाँ पर आपको ऊपर टाइमर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से एक घंटे का टाइम है, इसमें 100 क्वेश्चन है, तो टाइम स्टार्ट हो चुका है। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम, और इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं, ऊपर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, तो जैसे कागज़ का संबंध यहाँ पर जस्ते से है, तो वैसे ही किसका किस से है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, पुस्तक ढेर है, अंडे दर्जन है, टहनी झाड़ी है, भोजन पैकेट है। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर हर तरीके के क्वेश्चन हैं, न्यू क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं, ये नहीं कि सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही यहाँ पर उठाकर रख दिए गए हैं, तो ऐसा यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कागज़ तो मिलता है जस्ते में या रिम में, तो वैसे ही अगर बात करें हम, अंडे मिलते हैं दर्जन में, तो हम इसको आंसर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए, तो ब्राइट को यहाँ पर जैसे एफ डब्ल्यू एम एल एल वाई लिखा हुआ, वैसे ही विंडो को क्या है, ठीक है, तो ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन हो जाता है। इसी तरीके से आगे चलेंगे तो यहाँ पर भी एनालॉजी का क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि सात को लिखा गया 350, सात का क्यूब होता है 343, और 343 में सात जोड़ दिया 350, वैसे नाइन का क्यूब होता है 729, 729 में अगर नौ जोड़ेंगे तो बन जाएगा 738, तो हमारा जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। वैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए, 121, 49, 64, 196, ये हो जाता है 11 का वर्ग, ये 7 का वर्ग, ये 8 का वर्ग, ये और 14 का वर्ग, ठीक है, 11, 7, 8 और ये 14 का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सम विषम के हिसाब से देखें तो क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे नहीं होता, तो हम इसको फिर भी हम 64 लगाकर चलेंगे, क्योंकि ये 64 एक ऐसा नंबर है जो कि एक क्यूब भी बन रहा है एक संख्या का, और एक संख्या का स्क्वायर भी बनता है। तो काफ़ी अच्छे टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर मैथमेटिक्स टाइप का क्वेश्चन, यहाँ पर परसेंटेज का क्वेश्चन, देखिए रीजनिंग के अंदर यहाँ पर इंक्लूड करके दिया है, ठीक है। तो क्योंकि थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक, तो यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपको मिल रहा है देखने को, यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है कि आर्किटेक्चर को इनमें से शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, तो
कौन सा अक्षर नहीं बन सकता है, ठीक है, वो यहाँ पर हमें कौन सा शब्द नहीं बन सकता वो यहाँ पर हमें बताना होता है, ठीक है। तो ये सभी एसएससी के सिलेबस में इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। देखिए कोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर ये डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पर एक लुप्त संख्या ज्ञात करने वाला क्वेश्चन है, तो वो यहाँ पर एक अच्छे टाइप का, एक डिफरेंट टाइप का वर्गों की संख्या ज्ञात करने वाला क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाता है, ठीक है। सिलोजिज्म के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, डाइस का क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाता है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ठीक है। नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करें तो डायग्राम से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आपको कंप्लीट वही मिल जाता है पैटर्न बिल्कुल, जो कि एसएससी का रियल पैटर्न है। मैट्रिक्स का क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाता है, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन मैट्रिक्स का एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। क्लियर गाइज? तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन देखे रीजनिंग के क्वेश्चन, अब हम आपको इसी वीडियो के अंदर मैथ्स के क्वेश्चन दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली मैथ्स में चले जाते हैं, तो यहाँ पर 51 से मैथ स्टार्ट है कि 13 का वह कम से कम गुणक जो शेषफल 2 देता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन है एवरेज का, और ये इसमें इसको डिवाइड करने के लिए बोला गया है, और यहाँ पर पूछा गया है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। अलजेब्रा कह लीजिए, सिंप्लीफिकेशन कह लीजिए, उसका क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाता है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है, ये क्वेश्चन मिल जाता है आपको। रेशियो का क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाता है, ठीक। टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है, और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, ठीक। तो ओवरऑल सभी कंप्लीट, टाइम एंड वर्क का यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाता है। तो ऐसे नहीं है कि वैसे ही आपको कोई कहीं से कोई क्वेश्चन बस ऐसे ही हल्के फुल्के क्वेश्चन उठाकर यहाँ पर रख दिए गए हों, नहीं, पूरी तरह से प्रिपेयर किया गया टेस्ट सीरीज है, ठीक है। तो आप इसको देख ही रहे हैं बाकी, और ये है आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर कंटेनर वाला क्वेश्चन यानी कि एलिगेशन का क्वेश्चन है ये यहाँ पर, ठीक। और बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, ठीक। प्रिज्म वाला क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपको मिल जाता है क्वेश्चन ये वेन डाई वो डी डाटा इंटीग्रेशन, ठीक है, डीआई का क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो गाइज इसी तरीके से आपको यहाँ पर कंप्लीट मिल जाता है, ठीक। अब हमने क्वेश्चन किए, हमने हालांकि क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए, लेकिन जहाँ पर ये बहुत सारे आप डॉट्स देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो सब पूरा पेपर खुल कर आ जाएगा कि आपने किसने क्वेश्चन किए नहीं किए, ठीक है। और मूव टू नेक्स्ट सेक्शन जाएंगे तो यहाँ पर आपको आगे का सेक्शन मिल जाएगा, और सबमिट टेस्ट करेंगे तो यहाँ पर टेस्ट ये सबमिट हो जाता है। टेस्ट सबमिट करने के बाद जैसे कि मैंने केवल मेरे 8 ही मार्क्स बने हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन तो अटैम्प्ट किए नहीं थे, 2-4 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, तो चार क्वेश्चन किए थे मैंने, ठीक है, और 4 × 8 चारों के चारों ही सही हैं, ठीक है। तो ये स्कोर बन जाता है, और स्कोर कार्ड आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में। फिर रैंक यहाँ पर आपको पता चल जाएगी, कुल यहाँ पर इसी टेस्ट को अगर देखा जाए तो 7,415 बच्चों ने ये टेस्ट दिया है, ठीक है। तो उसमें आपकी 7,292 रैंक बन गई है, जैसे कि मेरी बनी है यहाँ पर, और अप्रोक्स कट ऑफ इसके हिसाब से, पेपर के हिसाब से 132 यहाँ पर मिल जाती है। अगर सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर आपको उसका करेक्ट सॉल्यूशन भी यहाँ नीचे की तरफ मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो सॉल्यूशन भी यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा इसका पूरा, ठीक है। तो अपने आप में ये कंप्लीट पैकेज है, ठीक है, जहाँ पर आप अपनी प्रिपरेशन को एक फाइनली टच दे सकते हैं, ठीक है। आप बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, अच्छा खासा पढ़ लेते हैं, लेकिन जब तक आप किसी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़ते तो आपको अपने आप में कॉन्फिडेंट भी नहीं बन पाता, और अपने आपको ये भी पता नहीं लग पाता कि आप कितने पानी में हैं। तो मैं मानता हूँ कि इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है, तो आपको इसके साथ जुड़ना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर देखें नीचे लास्ट में अगर देखें तो टॉपर के मार्क्स और टॉपर की रैंक यहाँ पर दी गई है कि इस पेपर के अकॉर्डिंग 189.5 मार्क्स जो हैं वो अभी तक हाईएस्ट हैं। क्लियर गाइस? तो गाइस आज की इस वीडियो के जरिए आपको इसी ग्रेड अप की टेस्ट सीरीज के बारे में बताना था। अब आप अपने अकॉर्डिंग इसको जज कर लीजिए कि मैंने तो अपनी तरफ से इसका एनालिसिस कर दिया है, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस का। इससे पहले मैंने पूरे इस एंड्रॉयड ऐप के जरिए ही आपको पूरी टेस्ट सीरीज का एनालाइज किया था। आज मैंने मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस के बारे में बताया कि किस किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। आगे आने वाली वीडियो में मैं जीके जीएस और इंग्लिश का भी इसका पूरा एनालाइज करके दिखाऊंगा। लेकिन अगर चाहते हैं आप इसे जल्दी से परचेज करना, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों के ही लिंक दिए हैं, जहाँ पर एसएससी सीजीएल Tier 1 के लिए और एसएससी सीजीएल के पूरे कॉम्बो पैक के लिए आप इसको परचेज कर सकते हैं। वहां पर आपको 10% का एक्स्ट्रा
डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है गाइस, तो अगर आपको जैसा भी लगता है आप उसी हिसाब से इसको परचेज कर लीजिए। क्लियर, तो आज की वीडियो में बस आपको यही सब ग्रेट अप की टेस्ट सीरीज के बारे में बताना था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके लिए काम की जितनी भी वीडियोज़ हैं, पढ़ाई से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड जो भी हम टॉपिक्स लेकर आते हैं उन सभी टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।